एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? तो ये मंडे मॉर्निंग, सॉरी ये ट्यूसडे मॉर्निंग का है ये, क्योंकि आरुष के स्कूल में आज लोकल छुट्टी थी, कोई लोकल सा कोई पर्व त्यौहार था कुछ ऐसा छोटा सा, तो उसी की छुट्टी थी। तो मैं सुबह सुबह किचन में आ गई थी और सबसे पहले मैंने चढ़ा दिया दोनों दूध बॉयल होने के लिए, एंड आरुष के लिए फटाफट से मैं भी बनाऊंगी हॉर्लिक्स। और उसको आज घर में ही रहना है, तो फिर उसके ढेर सारे क्वेश्चन होते हैं, ये वो, ये कैसे होता है, वो कैसे, तो कभी कभी तो मैं सच में इरिटेट हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा। उसके बाद फिर मैं अपनी चाय चढ़ा दूंगी, जब तक मेरी चाय यहाँ पे बनेगी तब तक मैं उसको हॉर्लिक्स वगैरह बना के दे दूंगी। और लगे हाथे रात में जो मैं बर्तन धोती हूँ ना, जैसे चम्मच वगैरह मैं धो के रख लेती हूँ चाय वाय का बर्तन, तो वो भी मैं फटाफट से असेंबल कर लूँगी, ताकि किचन क्लीन हो जाता है तो काम वाली जो आती है वो अच्छे से काम कर लेती है। और अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, रात में इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी। इस बार चेन्नई में इस साल क्या हुआ है ना कि हमेशा बारिश हो ही रही है। जिस साल हम लोग शिफ्ट हुए थे उस साल बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी थी। इस बार क्या है ना कि एक हफ्ते अगर धूप अच्छे से निकलता है तो फिर दो तीन हफ्ते तक बारिश होती ही रहती है। मतलब ये नहीं है कि लगातार बारिश होती है, रात को बारिश होती है फिर दिन में थोड़ा सा आराम से धूप वूप निकल जाता है, आसमान साफ हो जाते हैं ताकि सब स्कूल जा सके और ऑफिस जा सके। एंड उसके बाद आज ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया था एवोकाडो का सैंडविच, जो मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, जिसमें मैंने कच्चा टमाटर, प्याज, धनिया पत्ता, नींबू का रस, ब्लैक पेपर और सॉल्ट, बस इतना डाल के फटाफट से मैंने इसको मिक्स कर लिया था। और थोड़ा सा ब्रेड में मेयोनी लगा रही हूँ। और उसके बाद ये एक्चुअली हस्बैंड का जो नाश्ता है वो है, और हस्बैंड का नाश्ता सबसे पहले मैं बना के दे दूँगी, फिर आरुष का जो होता है वो, उसको एवोकाडो बिल्कुल भी नहीं पसंद है, तो उसके ब्रेड में भी थोड़ा सा मेयोनी लगा के, और डालूँगी मैं एक पनीर का मोटा सा स्लाइस, और ऊपर से थोड़ा सा चीज़ डाल दिया है मैंने, और उसके बाद ये इसका ब्रेकफास्ट हो गया। तो दोनों का हो गया डन। और मैंने तो कितनी बार ही आपको बताया कि इंटरमीडिएट फास्टिंग पर रहती हूँ मैं, तो खाती ही नहीं। तो जब वो एवोकाडो का जो भी रखा हुआ था ना, डो जो बना हुआ था, स्टफिंग जो भी था, उसमें थोड़ा सा मैंने एक चम्मच बेसन डाल दिया है, थोड़ा सा ओट्स डाल दूंगी, और ये मेरा एक चीला टाइप सा बन जाएगा जब मुझे खाना था तभी। मेरे जो इंटरमीडिएट फास्टिंग के जो आवर्स होते हैं वो कम्प्लीट हो गए थे, उसके बाद मैंने अपने एक चीला सा बना लिया था, ये मेरा ब्रेकफास्ट हो गया था। एंड उसके बाद आज मैं लंच में मैंने बनाई थी कुम्हड़ौड़ी की सब्जी। एक्चुअली जो बिहार के लोग होंगे ना उनको ही इसका टेस्ट पता होगा। ये है कुम्हड़ जो होता है, जिसको कुम्हड़ा, जिसको पेठा बोलते हैं, जिसका पेठा बनता है, वो जब पक जाती है ना पूरे अच्छे से, तो उसको घिस के ना इसमें उड़द की दाल के साथ इसका बड़ी बनाते हैं, तो ये वही है कुम्हड़ौड़ी की सब्जी। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने कुकर में तेल ले लिया, आप इसको चाहे तो पैन में या फिर कढ़ाई वगैरह में भी फ्राई कर सकते हैं। तो कुकर में तेल ले लिया, मैं एक ही बर्तन यूज कर रही हूँ इसलिए इसमें तेल जब गर्म हो जाएगा तो इसको हल्का सा फ्राई कर लूँगी मैं, बिल्कुल ब्राउन हल्का होने पर। उसके बाद फ्राई इसको तेल में इसलिए किया जाता है कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है फ्राई करके, इसलिए। और बड़ी वगैरह की भी सब्जी बनाते हैं तो उसको फ्राई करना ही पड़ता है। और उसके बाद उसको निकाल लिया था, साथ में थोड़ा सा तेल और मैंने डाला है, उस पर डालूंगी मैं हींग के बाद मिर्ची, तेजपत्ता और पंचफोरन डाल के मैं अच्छे से, जब ये हो जाएगा उसके बाद इसमें डाल दूंगी मैं दो बड़े साइज का, मैंने प्याज काट लिया था, प्याज डाल दूंगी, प्याज सौते हो गया था। उसके बाद मैंने इसमें डाला है जीरा, गोल मिर्च जो होती है वो, उसके बाद ब्लैक पेपर जिसको बोलते हैं वो, अदरक लहसुन का पेस्ट, सारा जो मिला के मैंने बनाया था वो था। अब इसमें आलू डालूंगी, आलू के ना बड़े बड़े स्लाइस ही मैं डालती हूँ कि बड़ा अच्छा लगता है इसके साथ, थोड़ा सा वो कुकर में ना सीटी लगने से गल जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। थोड़ा सा बेसिक मसाला डाला है टेस्ट के अकॉर्डिंग, नमक, हल्दी, मिर्च और धनिया पाउडर। और उसके बाद इसको मिला के टमाटर साइड में डाल दूंगी ताकि इसको ना मैश करने में थोड़ा सा ईजी हो, और उसको ढक के छोड़ दूंगी। 5 मिनट मैंने लो फ्लेम पर छोड़ दिया था, टमाटर बिल्कुल ही अच्छे से गल गया था। अब इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी, थोड़ा सा मैंने ऊपर से कसूरी मेथी डाला,
है, थोड़ा सा मैंने इसमें चिकन मसाला डाला है, आप चाहें तो सब्जी मसाला मटन मसाला भी डाल सकते हैं। अब मैंने जो कुम्हरौड़ी है वो मिक्स कर दिया, अब इसमें गर्म पानी डालूंगी मैं। गर्म पानी डाल के उसके बाद मैं सीटी लगने के लिए 3 से 4 छोड़ दूंगी। उसके बाद मेरी सब्जी जो है यम्मी वाली सब्जी बनके तैयार है। चावल के साथ ये बहुत अच्छा लगता है, रोटी के साथ भी आप खा सकते हो, बहुत टेस्टी लगता है। जो लोग बिहार के हैं मिथिला के हैं वो इसका टेस्ट अच्छे से जानते होंगे, उन्हें ही पता होगा। उसके बाद फिर लगे हाथ में चावल भी भिंगो के छोड़ दूंगी। फिर मैं नहा कर आऊँगी तो मैं फटाफट से चावल बना लूँगी। एक्चुअली मैं कुकर का चावल नहीं हम लोग खाते हैं, माड़ वाले जो चावल होते हैं पसाकर निकालना वो वाला हम लोग खाते हैं। तो चावल को मैं धो के रख दूँगी और उसके बाद फिर जब मैं नहा के आई थी तभी मैंने कुकर जब ओपन किया था तब देखो सब्जी कितना अच्छा लग रहा है देखने में। इसके बाद इसको मैं धनिया पत्ता के साथ गार्निश कर दूँगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें आलू ना बिल्कुल जो सीटी लगते हैं तो गल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। ग्रेवी इतना अच्छा तैयार होता है मैं क्या ही बताऊँ। बहुत जो लोग मिथिला बिहार के होंगे वो सब्जी देख के समझ जाएंगे कि इसका टेस्ट कैसा होता है। एंड उसके बाद इसको धनिया पत्ता से मैंने गार्निश कर दिया था और साथ में था सैलेड और चावल। बहुत ही टेस्टी सा लंच बना था आज। तो चैनल पे जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं अपने डेली के ब्लॉग लेकर आती हूँ, लंच वगैरह मैं अपने सारे काम कैसे मैनेज करती हूँ सब कुछ। चलिए मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग।